नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सच्चा इंसान 2023 में स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं कि सूर्यास्त के समय पड़ोसियों को यह 5 चीज नहीं देना चाहिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहने की वजह से हम एक दूसरे से लेन देन भी करते रहते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि चीजों का आपस में लेन देन करते वक्त भी हमें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें सूर्यास्त के बाद मांगने पर भी किसी को भी नहीं देनी चाहिए। आइए जानते हैं कि वे कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जिनको सूर्यास्त के बाद किसी को नहीं देना चाहिए। नंबर 1, किसी प्रकार का धन या रुपया। माँ लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। सूर्यास्त के समय या उसके बाद अगर कोई व्यक्ति किसी को धन या रुपया देता है तो उसका यह मतलब होता है कि वह व्यक्ति अपने घर से माँ लक्ष्मी को विदा कर रहा है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी उस व्यक्ति के घर से विदा हो जाती है। नंबर 2, किसी को दूध भी नहीं देना चाहिए। दूध का संबंध भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद यदि किसी को दूध दिया जाता है तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और उस घर की बरकत खत्म हो जाती है। नंबर 3, दही भी नहीं देना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दही का संबंध शुक्र ग्रह से होता है। दही से व्यक्ति को सुख और वैभव प्राप्त होता है, लेकिन वही अगर कोई व्यक्ति सूर्यास्त के बाद किसी को दही देता है तो इससे उस व्यक्ति के जीवन में सुख और वैभव की कमी हो जाती है। नंबर 4, हल्दी भी नहीं देना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में हल्दी का संबंध गुरु ग्रह से माना जाता है, इसलिए सूर्यास्त के बाद किसी को हल्दी देने से व्यक्ति का गुरु कमजोर होता है, जिसकी वजह से व्यक्ति के पास धन और वैभव की कमी होती है। नंबर 5, उसे जानने से पहले जो भी भक्त माँ लक्ष्मी को और महादेव को सच्चे दिल से मानते हैं, वे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में अपने अपने नाम लिखकर जाना, मैं भी जानूं मेरा भक्त कौन कौन है। नंबर 5, लहसुन और प्याज भी। ज्योतिष शास्त्र में लहसुन और प्याज का संबंध केतु ग्रह से माना जाता है और केतु ग्रह जादू टोना से संबंधित होता है, इसलिए सूर्यास्त के बाद किसी को लहसुन प्याज भी नहीं देना चाहिए। बेटा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।